Dussehra is the most popular festival which is celebrated for 10 days. It is celebrated at the end of Navratri. Dussehra signifies the victory of Lord Rama over the demon Ravana in the Indian epic of Ramayana. It is also known as Vijayadashmi. It has been based on two mythological stories. One is on Ramayana and another is based on Durga Puja. Now I request Sharmila ma'am to perform puja. लंकेश्वर दशानंद रावण जो कि महान शिवभक्त था, अनेकों वरदान घोर तपस्या कर उसने श्री भगवान महादेव से प्राप्त किए थे। दानव राज रावण लंका का अधिपति रावण, उसकी स्वर्ण लंका, उसकी लंका इतिहास में स्वर्ण लंका के नाम से जानी जाती थी। स्वर्गानंद लंका अधिपति लंकेश्वर रावण, रावण महाबली परम शिवभक्त गर्विष्ठ और माँ माया था। उसे पराजित करना ना था प्रभु के लिए आसान, किंतु बलशाली भ्राता कुंभकर्ण महापराक्रमी पुत्र मेघदूत और नहीं जाने कितने बलशाली दानवों और सैनिकों को होने के बाद लंकेश्वर कहीं ना कहीं बलवीर था। अपने जीवन की चिंता उसे सता रही थी। इसी दुविधा में रावण उसकी आराध्य महादेव शिव जी का जाप करने लगा। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। होम हवन कर रहा था रावण। अभी तक तो विजय प्रभु की ही थी, परंतु लंकेश्वर को हराना आसान ना था प्रभु के लिए। प्रभु परियोजना बना रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे अपने अरुणदाता लक्ष्मण के साथ। उन्हीं के साथ खड़े थे पवित्र श्री हनुमान और विभीषण, जो कि अपने प्रभु के प्राणों की चिंता में लगे थे, भयभीत थे। लेकिन अंततः वो क्षण आ ही गया। प्रभु श्री राम युद्ध के लिए सज्ज हुए, युद्ध भूमि में अपने साथियों से पधारे, साक्षात श्री विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जगत के दुख उन्हें क्या सताया है, परंतु मनुष्य जन्म जो लिया था प्रभु ने,
मनुष्य योनि के सुख दुख तो छिन्ने ही थे, सो आज खड़े थे रणभूमि में रावण संग युद्ध करने। लंकाधिपति लंकेश्वर रावण अपने मायावी तथा पुष्पक विमान से सवार हो युद्ध भूमि में आया और जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। और प्रभु श्री राम को ललकारने लगा युद्ध के लिए। हे वनवासी राम, मैं लंकापति लंकेश्वर रावण हूँ। तुम युद्ध करोगे मुझसे? तुम क्या युद्ध करोगे मुझसे? मैं खुद तुम्हें युद्ध के लिए ललका आता हूँ। आओ मुझसे युद्ध करो। लंकाधिपति लंकेश्वर रावण, लंकेश्वर था अजिंक्य, प्रभु के परीक्षा का क्षण था। उसको हराना आसान ना था प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु साक्षात विष्णु के अवतार चुनौती लेने के लिए तैयार थे और बोल पड़े। हे लंकेश्वर, मैं तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेता हूँ। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। दोनों बंदे राम अपने युद्ध शुरू हो गया। नवे दिन की सूर्यास्त हो गया और युद्ध विराम हो गया। रावण अपने विजय मनाता हुआ राम को ललकारता हुआ खुशी में अपने महल की ओर पलटा। नवे दिन का युद्ध विराम हो गया था। प्रभु श्री राम की ओर से सारे जन परेशान थे। रावण पे विजय कैसे पाई जाए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सारे जुट गए थे। अनेक उत्तर विचार लगाया जा रहा है, किंतु इस समस्या का हल किसी के पास नहीं था। दानव राज को कैसे पराजित करें, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। किंतु रावण का सर्वनाश तो होना ही था, क्योंकि रणभूमि में स्वयं प्रभु श्री रावण ने धनुष उठा लिया था। रावण की मृत्यु के पीछे अनेकों श्राप थे, लेकिन अहम कारण बना उनका भाई विभीषण। उन्होंने श्री राम से बताया, हे प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से रावण के नाभि में अमृत कुंड है। जब तक अमृत सुरक्षित है, तब तक रावण की मृत्यु असंभव है। अमृत कुंड का रहस्य जानते ही अब ये तय था पाप का अंत होने वाला था। रावण के मृत्यु का रहस्य उजागर होते ही प्रभु श्री राम ने ठान लिया कि आज पाप का अंत करना ही है, पृथ्वी का मुक्त करना है पापों से। इसी रहस्य को उजागर होते ही क्रोधिष्ठ की लक्ष्मण रावण को ललकाने लगे और रणभूमि में गरजे, हे रावण, आज जितना चाहे उतना हंस ले, लेकिन आज आपका अंत अटल है। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने मृत्यु की वार्ता सुन, अपने मृत्यु की अटल चेतावनी सुन, क्रोधित रावण विभीषण से बोल पड़ा, विभीषण देशद्रोही कपटी, अपने भ्राता श्री के खिलाफ हमारे शत्रु से मिलकर योजना बनाते हो।
रावण लंकाधिपति रावण श्री राम को चुनौती दे रहा और मैदान में फूट पड़ा। उसे के मारे अपनी विजय प्राप्त करने के लिए ललचाया हाथा रावण लंकाधिपति रावण। क्षमा मांगने लगे अपने भाताश्री से। आज पृथ्वी के ऊपर से पाप का अंत हो गया, दुराचारी रावण का अंत हो गया, सर्वनाश हो गया दशानन का। पाप का श्री लक्ष्मण को आज्ञा करें कि विभीषण राज्याभिषेक करें। विभीषण लंका के महाराज होना तय था, राज्याभिषेक कर रहे थे श्री लक्ष्मण। महाराज विभीषण की जय। महाराज जय। सुरक्षित हाथों में थी लंका। सुखी विभीषण प्रभु को प्रणाम करने खड़े हो गए और किसी के साथ दिल में दुख भी था। प्रणाम प्रभु। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें अभी माता सीता के दर्शन की अभिलाषा है, तनिक अशोक वाटिका जाकर आप उन्हें लेके आइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। मनोजम मार्ग तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। हे माते प्रणाम। प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण को मारकर जीत हासिल की है। सच पुत्र? हाँ माते, प्रभु ने आपको याद किया है, चलिए। अपने पति के दर्शन पाने ललचाई माता सीता पवन पुत्र हनुमान संग चल पड़े। माता सीता के आगमन से सारा माहौल खुशनुमा हुआ। सारे प्रभु की जय जयकार करने लगे। प्रभु हनुमान जी बोल पड़े, जय जयकार कर रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब समय आ गया था अपने निज धाम में लौट जाने का। सो प्रभु श्री माता सीता और श्री लक्ष्मण सब चल पड़े अपने निज धाम। उन्हीं के साथ उनके परम मित्र श्री हनुमान पवन पुत्र।